गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, वॉइस क्लियर आ रही है सबको? ओके जी सर। यस सर। लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे जनरल ब्रेकडाउन। किसी को डाउट है कुछ भी जनरल ब्रेकडाउन या रिवर्स ब्रेकडाउन में? जिस डाउट नहीं है तो ये बताओ कि रिक्वायर्ड कंडीशन क्या होती है जब तुम्हारा जनरल ब्रेकडाउन मतलब जो रिवर्स ब्रेकडाउन अकर करना है वो रिवर्स ब्रेकडाउन जनरल ब्रेकडाउन फिनोमिना से अकर करे, उसके लिए रिक्वायर्ड कंडीशंस क्या होती है, किस तरह का पीएन जंक्शन होना चाहिए हमारा। हाईली डोप्ड होना चाहिए। ओके okay. जब वो हाईली डोप्ड होगा तो उसकी डिप्लीशन में लार्ज होगी या स्मॉल होगी? स्मॉल। ओके बेसिक फिनोमिना जिसकी वजह से ये जेनर ब्रेकडाउन एग्जिस्ट करता है। लो वोल्टेज लेस देन 6 वोल्ट। देखो बेसिक फिनोमेना जिसकी वजह से जनरल ब्रेकडाउन एग्जिस्ट करता है या बेसिक मैकेनिज्म जिसकी वजह से जनरल ब्रेकडाउन होता है वो टनलिंग है, टनलिंग या फील्ड आयोनाइजेशन है ना। जब तुम लो वोल्टेज देते हो और तुम डोपिंग जो है वो लार्ज कराते हो जिसकी वजह से डिप्लीशन वेव कम होती है, उसकी वजह से एक टनलिंग फिनोमेना एग्जिस्ट करता है जिसकी वजह से जनरल ब्रेकडाउन होता है, मीनिंग हमें एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे एक हाई करंट मिलती है। जनरल ब्रेकडाउन का मीनिंग क्या है, तुम्हें एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे तुम्हें एक हाई करंट मिल रही है, वो हाई करंट तुम्हारी इंडिपेंडेंट है उस अप्लाइड वोल्टेज से, मीनिंग एक टाइम पे तो डिपेंडेंट थी उसके बाद वो इंडिपेंडेंट हो गई, मतलब कुछ माइक्रो या नैनो सेकंड के लिए उसकी डिपेंडेंसी हुई, वो भी उस टाइम पे जब उसने जस्ट ब्रेकडाउन को अकर कराया, जैसे ही वो ब्रेकडाउन हो गया उसके बाद उस करंट की डिपेंडेंसी उस वोल्टेज पे खत्म हो गई, राइट। तो जनरल ब्रेकडाउन में वो फिनोमिना क्या है, टनलिंग है। सर जैसे पीछे वाला वो एनर्जी डायग्राम था सर, तो उसमें सर जब हाई डोपिंग कराते हैं तो वैलेंस बैंड की तरफ फर्मी लेवल अप्रोच करता है, और फिर जब आपने कहा था नेगेटिव लगाते हैं तो वो ऊपर जाता है, तो सर वो जो नेगेटिव टर्मिनल वाला लगाते हैं जैसे रिवर्स बायस करते हैं, हाँ सर ये तो इसमें सर जैसे इधर पी साइड का देखिए तो हाई डोपिंग कराई तो उसकी वजह से तो वैलेंस बैंड की तरफ जाएगा नीचे, और सर नेगेटिव रिवर्स बायस कराया तो उससे आप बताते थे कि नेगेटिव पे हमेशा ऊपर जाता है, ऊपर की ओर जाएगा। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो सर ये ऊपर की ओर ओवरऑल जा रहा है, तो सर मतलब रिवर्स बायस वो डोपिंग पर मतलब उसका इफेक्ट ज्यादा पड़ रहा है क्या? हाँ हाँ डोमिनेटेड है तुम्हारा। अच्छा सर ठीक है, मतलब ओवरऑल एक्सपीरियंस तुम्हें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा वो तुम्हें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है जी सर ठीक। नेक्स्ट हमारा है एवलांच ब्रेकडाउन। जितनी भी कंडीशन हमने जनरल ब्रेकडाउन में ली थी उसकी सारी अपोजिट कंडीशन सोच लो, वो सारी जनरल ब्रेकडाउन के लिए होती। पहला हमने जनरल ब्रेकडाउन के लिए हाई डोपिंग रखी थी, यहाँ पे लो डोपिंग रहेगी। क्यों अभी 2 मिनट में समझ में आएगा, ठीक है। हमने जनरल ब्रेकडाउन में लो वोल्टेज प्रोवाइड किया था, यहाँ पे हमें हाई वोल्टेज देना है।
वहां पे हाई डोपिंग की वजह से जो डिप्लीशन वेव थी वो काफी थिन थी, यहाँ पे लो डोपिंग की वजह से डिप्लीशन वेव जो होगी वो लार्ज होगी। जैसे ये हमारा एक पीएन जंक्शन है, ठीक है, इसमें हमने एक दोनों साइड पे लाइट डोपिंग कराई है, ठीक है, काफी लो डोपिंग कराई। जब भी हम लो डोपिंग शो करते हैं तो पी माइनस से या एन माइनस से शो करते हैं, ठीक, क्योंकि हमने लो डोपिंग कराई, दैट मीन्स यहाँ पे जो डिप्लीशन वेव होगी वो काफी लार्ज होगी। अब अगर इस पे हमने एक हाई वोल्टेज अप्लाई किया, एक हाई रिवर्स बायस वोल्टेज अप्लाई किया VR, तो इसमें एवलांचे फिनोमिना एग्जिस्ट करेगा। अब फर्स्ट थिंग देखो, हमने देखा था एवलांचे ब्रेकडाउन में, या कि जब भी हमें रिवर्स ब्रेकडाउन चाहिए होता है, तो रिवर्स ब्रेकडाउन बेसिकली हाई इलेक्ट्रिक फील्ड पे जनरेट होता है। तो अगर हाई इलेक्ट्रिक फील्ड हमें यहाँ पे चाहिए जहाँ पे हमारी विफ जो है वो हाई है, V अपॉन W, ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड देखा था इन जनरल, अगर हम डिप्लीशन विफ की इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाइड वोल्टेज एंड डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में लिखें तो कुछ इस तरह से आ रहा था, ठीक। तो यहाँ पे हमने डिप्लीशन विफ, क्योंकि हमने लो डोपिंग रखी है, ठीक है, क्योंकि हमने लो डोपिंग रखी है तो यहाँ पे डिप्लीशन विफ हाई है और हमें चाहिए हाई इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हाई इलेक्ट्रिक फील्ड होने के लिए, क्योंकि हमने डिप्लीशन विड्थ ऑलरेडी हाई रखी हुई है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो उसकी वजह से क्या होगा, हमें वोल्टेज भी काफी हाई रखना होगा, उसकी वजह से हमने वोल्टेज भी हाई रखना होगा, क्यों, क्योंकि डिप्लीशन विड्थ जो है वो यहाँ पे हाई है। अब देखो यहाँ पे एग्जैक्टली हो क्या रहा है, जब तुमने यहाँ पे जैसे ही तुमने वोल्टेज अप्लाई किया, यहाँ पे जैसे ही तुमने वोल्टेज अप्लाई किया, वो होल्स या इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे डिफ्यूज कर रहे थे, जो करियर यहाँ पे डिफ्यूज करने की कोशिश कर रहे थे, इस लार्ज डिप्लीशन वेव में उनका डिफ्यूजन तो नहीं होगा, ठीक, लेकिन ड्यू टू दिस हाई एनर्जी, तुमने जो हाई एनर्जी प्रोवाइड की, हाई वोल्टेज प्रोवाइड किया, इस एनर्जी की वजह से इनकी काइनेटिक एनर्जी जरूर इंक्रीज होगी, इनकी काइनेटिक एनर्जी जो है इन इलेक्ट्रॉन्स या होल की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। आगे जाके जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, जब इनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होते होते, जो हमने वोल्टेज दिया उस वोल्टेज की वजह से इनकी काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर जो है वो इंक्रीज होती जा रही है, और वो इंक्रीज होते होते लेट्स से इस पीएन जंक्शन का जो एनर्जी बैंड गैप है ईजी, उससे ज्यादा हो गई। इस इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे जो एनर्जी है वो तुम्हारी मोर देन हो गई इस एनर्जी बैंड गैप से, ठीक, एनर्जी बैंड गैप वो रिक्वायर्ड एनर्जी है, वो मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी है जो किसी को चाहिए, मीनिंग अगर पीएन जंक्शन को वो मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी कहीं से मिल गई तो वो जो कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है वो कोवेलेंट बॉन्ड वहां पे ब्रेक हो सकता है, राइट। हमने जो बताया था कि जो ईजी यानी एनर्जी बैंड गैप है मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी है किसी भी पीएन जंक्शन के कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, या ये कहे कि तुम्हारी मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी है जिससे आप इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में ले जा सकते हैं, मीनिंग वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन बन सकता है, ठीक। तो इस ये जो डिप्लीशन रीजन है, यहाँ हमें पता है काफी सारे कोवेलेंट बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होल पेयर होंगे, मतलब ऐसे इलेक्ट्रॉन होल पेयर जो सारे के सारे कोवेलेंट बॉन्ड बनाए हुए होंगे, ठीक। इन केस ये इलेक्ट्रॉन जिसकी एनर्जी काफी हाई है वो आके इस कोवेलेंट बॉन्ड इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन होल, इस इलेक्ट्रॉन होल पेयर से आके टकराता है, ठीक। देन क्या करेगा,
जब जब इसकी एनर्जी, ये जो काइनेटिक एनर्जी है, ये मोर देन होगी एनर्जी बैंड गैप से, तो ये एक इलेक्ट्रॉन जनरेट करेगा और एक होल जनरेट करेगा, मीनिंग एक पॉजिटिव होल को शो कर रहा है और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को शो कर रहा है, राइट। कुछ देर के लिए हम इसको मिनिमाइज कर देते हैं, ठीक है, इस लाइन को। अब ये इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन, ये जो नया जनरेटेड इलेक्ट्रॉन है डिप्लीशन रीजन में, इसको भी ये जो हाई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हाई इलेक्ट्रिक फील्ड से ये भी इफेक्टेड है। इस हाई इलेक्ट्रिक फील्ड से फिर इस इलेक्ट्रॉन की भी एनर्जी इंक्रीज होना स्टार्ट होगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, ठीक। अब ये आगे फर्दर फिर एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर से जाके टकराएगा, फर्दर ये एक नया इलेक्ट्रॉन जनरेट करेगा, एक नया होल जनरेट करेगा, ठीक। सिमिलरली ये जो इलेक्ट्रॉन गया था, ये इलेक्ट्रॉन होल पेयर तो जनरेट करेगा ही, लेकिन खुद कहीं थोड़ी ना गायब हो जाएगा, तो ये भी तो रहेगा। टकराने के बाद ये इलेक्ट्रॉन होल पेयर तो जनरेट करेगा, साथ में खुद भी रहेगा और नेक्स्ट फिर किसी इलेक्ट्रॉन होल पेयर को जनरेट कराएगा। सिंपल सा फॉर्मूला है कि हमने यहाँ पे हाई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड की है यूजिंग अ हाई वोल्टेज, ठीक। उसकी वजह से क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होना स्टार्ट हुई है। वो काइनेटिक एनर्जी जब एनर्जी बैंड गैप से ज्यादा हो गई है, ये काइनेटिक एनर्जी जब एनर्जी बैंड गैप से ज्यादा हो गई है, तो उसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट करना स्टार्ट किया है, और ये प्रोसेस फर्दर होता जा रहा है। एक की वजह से इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हुए, देन जो नया इलेक्ट्रॉन जनरेट हुआ उसने फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट किया, फिर इलेक्ट्रॉन जनरेट हुआ, फिर उसने इलेक्ट्रॉन होल पेयर किया, मीनिंग यहाँ पे एक टाइप ऑफ मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, एक टाइप ऑफ मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। और इस फिनोमिना को, ये जो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, इसको हम बोल देते हैं एवलांचे मल्टीप्लिकेशन। इसको हम क्या बोलते हैं, एवलांचे मल्टीप्लिकेशन। राइट, इस बात में किसी को कोई दिक्कत? ठीक, तो बेसिकली हमारा एवलांच मल्टीप्लिकेशन क्या है, जब हमने हाई इलेक्ट्रिक फील्ड दी, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होते जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन की, यहां हम केवल बात इलेक्ट्रॉन की इसलिए कर रहे हैं क्योंकि होल्स जो है वो हमारा अजम्पशन है, वो कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। इस पूरे पीएन जंक्शन में कोई अगर अजम्पशन है या कोई अगर ऐसी चीज है जो कि फिजिकली अवेलेबल नहीं है, तो वो ये होल है। इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी को, जहां पर भी इलेक्ट्रॉन नहीं अवेलेबल है, उस जगह को हमने होल बोल दिया, ठीक है। इस वजह से, क्योंकि यहाँ पे जो कोलिजन या जो भी चीजें हो रही है वो फिजिकली हो रही है, दैट इज वाई इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमने केवल इलेक्ट्रॉन को अज्यूम किया है, ठीक है। और सेम ये जो चीज हमने इधर से P टू N डायरेक्शन में दिखाई है, सेम यही चीज N टू P डायरेक्शन में भी हो रही होगी, ठीक है। बट उसको अगर हम शो करते तो उसको होल के थ्रू शो करते, अगर उसको हम शो करते तो उसको होल के थ्रू शो करते, और जो हमारी ओवरऑल एक करंट, एक हाई करंट जो जनरेट होती वो N टू P जनरेट होती। राइट, तो हमें याद क्या रखना है, एवलांचे ब्रेकडाउन के केस में लो डोपिंग हम कराते हैं, हाई वोल्टेज देते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमने लो वोल्टेज, लो डोपिंग क्यों कराई? रीजन लो डोपिंग कराने का ये था कि डिप्लीशन विड्थ हमें ज्यादा मिले, जो डिप्लीशन विड्थ हो वो हमारी लार्ज हो, ठीक। रीजन कि मान लो इस इलेक्ट्रॉन ने किसी तरीके से एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर को जनरेट किया, अब इस इलेक्ट्रॉन होल पेयर के जनरेट होने के बाद ये जो दूसरा इलेक्ट्रॉन जनरेट हुआ है, इसको भी तो अपनी एनर्जी का इंक्रीमेंट करना है, और अपनी एनर्जी यानी काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करके इस एनर्जी बैंड गैप से मोर देन करना है, ताकि वो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन होल पेयर को जनरेट कर सके। तो काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करना है, दैट मींस अपनी वेलोसिटी इंक्रीज करना है, और उसके लिए हमें स्पेस चाहिए, और वो स्पेस प्रोवाइड करने के लिए हमने क्या किया, डिप्लीशन विड्थ को लार्ज रखा है। इस स्पेस को प्रोवाइड करने के लिए हमने क्या किया, डिप्लीशन विड्थ को लार्ज रखा हुआ है, ठीक।
तो लो डोपिंग उसकी वजह से लार्ज डिप्लीशन में, और यहाँ पे एक फिनोमिना हो रहा है एवलांचे मल्टीप्लिकेशन, और इसी फिनोमिना को हम इम्पैक्ट आयोनाइजेशन भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आयोनाइजेशन जो हो रहा है उसको हम इम्पैक्ट आयोनाइजेशन भी कहते हैं। वहां पे जो हो रहा था उसे क्या बोल रहे थे, फील्ड आयोनाइजेशन, हाई फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो रहे थे। यहाँ पे उस हाई फील्ड के इन्फ्लुएंस की वजह से ये जो एक दूसरे पे इम्पैक्ट डाल रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन होल पेयर पे जो इम्पैक्ट डाल रहा है उसकी वजह से यहाँ पे आयोनाइजेशन हो रहा है, तो इसको हमने नया नाम दे दिया इम्पैक्ट आयोनाइजेशन। तो इसका बेसिक फिनोमिना जो हो जाएंगे, एक एवलांचे मल्टीप्लीकेशन और दूसरा इम्पैक्ट आयोनाइजेशन। यहाँ जो आयोनाइजेशन होगा वो कौन सा होगा, इम्पैक्ट आयोनाइजेशन। ठीक है, जनरल ब्रेकडाउन में हमने क्या देखा था, एक टनलिंग और दूसरा फील्ड आयोनाइजेशन। यहाँ पे क्या है, एवलांच मल्टीप्लीकेशन और इम्पैक्ट आयोनाइजेशन। तो बेसिक कहीं या तो इसमें शॉर्ट क्वेश्चन तुम्हें लिखने को आएगा या इसमें डिफरेंसेस लिखने को आएंगे कि ये एवलांचे ब्रेकडाउन और जनरल ब्रेकडाउन में क्या डिफरेंसेस है, या ठीक है इनके ऊपर मतलब एक टाइप ऑफ शॉर्ट नोट तुम्हें लिखने को आएगा कि एवलांचे ब्रेकडाउन और जनरल ब्रेकडाउन पे शॉर्ट नोट लिखो। तो तुम्हें ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए कि क्या क्या इनमें डिफरेंसेस है, मीनिंग हाई डोपिंग लो डोपिंग, ये सारे डिफरेंसेस क्लियर होने चाहिए। नाउ एवलांचे ब्रेकडाउन में किसी को कोई डाउट, नो सर। नेक्स्ट, इन्हीं ब्रेकडाउन पे बेस्ड हमें एक डायोड पढ़ना है, जनरल डायोड। आज उसे नहीं स्टार्ट करेंगे, उसे कल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, लेकिन अभी एक पॉइंट याद रखना है कि जनरल डायोड तुम्हारा दोनों तरीकों से हो सकता है। ये बिल्कुल जरूरी नहीं कि जनरल डायोड जो है, नाम जनरल डायोड है तो वो केवल जनरल ब्रेकडाउन पे बेस्ड होगा। नहीं, जनरल डायोड के फैब्रिकेशन के टाइम पे उसमें डोपिंग किस तरह की गई है, हाई है लो है, किस तरह की डोपिंग की है, उस पे डिपेंडेंट होता है कि तुम्हारा जनरल डायोड किस ब्रेकडाउन फिनोमिना पे वर्क करेगा, जनरल ब्रेकडाउन फिनोमिना पे वर्क करेगा या एवलांचे ब्रेकडाउन फिनोमिना पे वर्क करेगा। बस इसको जनरल डायोड शायद नाम देने का रीजन ये था कि स्टार्टिंग में हमें केवल जनरल ब्रेकडाउन फिनोमिना के बारे में ही पता था, इनिशियली हम एवलांचे ब्रेकडाउन फिनोमिना नहीं जानते थे। तो उस टाइम जब हमने जनरल डायोड क्रिएट किया तो जनरल ब्रेकडाउन के ही रिस्पेक्ट में उसका नाम जनरल डायोड दे दिया। लेकिन फर्दर टाइम में जब हमने एवलांचे ब्रेकडाउन के बारे में भी जाना तो उसको अब नाम चेंज नहीं हुआ, वो अलग चीज है। लेकिन ये बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि जनरल डायोड दोनों फिनोमिना पे वर्क करता है, मीनिंग ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर रिवर्स ब्रेकडाउन फिनोमिना पे वर्क करता है, ये दोनों रिवर्स ब्रेकडाउन फिनोमिना पे वर्क कर सकता है, डिपेंडेंट कि तुमने वहां पे डोपिंग कितनी करा रखी है, तुमने जो रिवर्स ब्रेकडाउन पे जो वोल्टेज दिया है वो वोल्टेज कितना अप्लाई किया है। राइट, सभी लोग एक बार क्लास को रिजॉइन कर लेंगे।